हेलो यूट्यूब, आज हम करने वाले हैं CVR 150R माइलेज टेस्ट। सो मैंने इसमें फुल टैंक करवाया था आई गेस 1.5-2 महीने पहले, और 2 महीने से मैं इस फुल टैंक को यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, अराउंड 400 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ उसको मुश्किल से, शायद 400 भी नहीं, 350 के आसपास। वीडियो का मेन पर्पस यही है कि वी आर गोइंग टू डू वर्स्ट केस सिनेरियो वाला टेस्ट। मतलब मैंने इसको कम्प्लीटली सिटी में चलाया है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ऐसे ऑफ रोड रोड्स देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं मुश्किल से 20-30 पे चला सकता हूँ। तो मैंने ये पूरा जो ये वाला जो फुल पेट्रोल टैंक था ये पूरा उस पर यूज़ किया है, एंड दिस कैन बी लाइक द वर्स्ट केस माइलेज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाइक से। आप अगर प्लान कर रहे हो ये बाइक सेकेंड हैंड में लेने का, तो इस वीडियो से मैं होप करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप माइलेज के टर्म्स में कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो सिटी और ऑफ रोडिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो उस पर, बैड रोड्स पे देख सकते हो आप। यहाँ पे तो भाई फर्स्ट गियर सेकंड गियर से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये पूरा फुल टैंक उस पर ही चलाया है मैंने, ऐसे ही चलाया है पूरा, कहीं भी हाईवे पर नहीं गई है गाड़ी। इनफैक्ट 2-3 बार डबल सीट भी गई है ये 50-60 किलोमीटर्स। सो या वर्स्ट केस लेट्स सी कितना माइलेज निकलता है इसमें से। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 35, बट कांट से देखते हैं क्या होता है। कैस्ट्रॉल के ऊपर भी मैं एक फिर से एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, बिकॉज CBR का चेंज इंटरवल 4000 पे है और 1500 चल चुकी है, तो मतलब इट्स अ गुड टाइम टू डू अ रिव्यू ऑन दिस इंजन ऑल अगेन। देखते हैं। वाह अंकल तो उड़ा के चले गए यार, प्लैटिना ही सही है यार सच में सिटी के लिए। इसमें तो इतना गियर चेंज करना पड़ता है, दिमाग ख़राब। बट CBR का मज़ा अलग है। हाँ ब्रेक्स आर सो गुड, सिंगल फिंगर स्टील ब्रेडेड लाइंस, जैसा कि आप देख सकते हो स्टील ब्रेडेड लाइंस पे चल रही है ये। अमेजिंग फीडबैक मिल रहा है स्टील ब्रेडेड लाइन से। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से पिछला वीडियो उस पर ही था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि मैंने इसका स्टील ब्रेडेड लाइन कैसे लगाया था वगैरह वगैरह। ये एक्चुअली मैंने जानबूझ के ये सब मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ आपको एक आइडिया देने के लिए कि भाई सच में यहाँ पर ट्रैफिक होता कैसा है। देख सकते हो आप ऐसे ऐसे स्कूटी वाले भरे पड़े हैं सब बीच में, इनके साथ 20-30 पे ही चलना पड़ता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप अच्छा माइलेज चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप कैसे बाइक का थ्रॉटल यूज़ करते हो, कितना सॉफ्टली आप यूज़ कर रहे हो थ्रॉटल को, और नेक्स्ट इज़ आप एयर प्रेशर एकदम परफेक्ट रखो। एयर प्रेशर भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा माइलेज पे। टायर अपसाइज मत करो, स्टॉक टायर्स पे चलाओ। अगर कंपनी ने बाइक को कोई टायर का साइज़ दिया है तो सोच समझ के और टेस्ट करके ही दिया होगा, कंपनी वाले बेवकूफ़ तो है नहीं। सो मैनुअल को थोड़ा फॉलो करो और थ्रॉटल अपना थ्रॉटल हैंड थोड़ा आसान, मतलब आराम से चलाओ अपने थ्रॉटल हैंड को, कंट्रोल करो। ये नहीं कि हर टाइम फुल स्पीड नहीं करना है अपने को एकदम आराम से चलाने का। एज यू कैन सी आराम से 3000-4000 पे क्रूज़ करना है, और ये तो मैं सिटी में कर रहा हूँ। सो हाईवे होता तो स्टिल 6-7000 RPM पे जाती है आराम से क्रूजिंग। अगेन बैड रोड्स, रोड्स कब बनेंगे यहाँ के क्या पता, रिजर्व पे लग चुकी है गाड़ी। सो इट्स अ गुड टाइम कि भाई फ्यूल भरवा ही लें एक बार। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपको फाइनेंशियली अगर पॉसिबल है तो फुल टैंक पे ही चलाओ गाड़ी, फुल टैंक करो। अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट हाफ टैंक तो करो यार, हाफ टैंक टू रिजर्व तो यूज़ करो गाड़ी को, क्योंकि अगर आप 100-200 का बार बार डाल रहे हो तो आप फ्यूल पंप पे आने के लिए भी पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो। डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप वहाँ पे भी पेट्रोल बर्बाद कर ही रहे हो बार बार आने जाने का। ओह माय गॉड, 2 स्ट्रोक फर्स्ट गियर पे आना पड़ता है भाई यहाँ पे।
और कोई चारा नहीं है। देख सकते हो आप ट्रैफिक, यहीं से अपने को वापस भी आना है। हाय हाय मजा आ गया भाई। लद्दाख जाने की जरूरत ही क्या है, अपने यहाँ तो हर शहर ही लद्दाख है। स्कूटी वाले अंकल मारती है। तो ये अराउंड 10.35 लीटर्स का फ्यूल आया है इसके अंदर, 10.35 लीटर्स। और हम लोगों ने बाइक चलाई है 358 डिवाइड बाय 10.35, इट इज़ क्लोज टू 34.5 का माइलेज, ठीक है। सो इतना कम माइलेज क्यों मिला? द बिगेस्ट रीज़न इतना कम माइलेज इसलिए मिला है क्योंकि ये बाइक अबाउट 30 टाइम्स चालू हुई थी, ठीक है। 30 टाइम्स अगर चालू होती है बाइक, सो उसको वार्म अप होना है, और वार्म अप होने के लिए ECU ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से आप समझ रहे हो ना, कम हो रहा है। सेकेंड रीज़न, क्योंकि ये शहर में चल रही है, शहर में चलने की वजह से आप माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। सो 35 पकड़ के चलते हैं, राउंड फिगर 35 इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बाइक। अगर आप 150 सीसी BS3 बाइक है ये, स्टिल नॉट बैड। 35 फॉर 2 मंथ्स कोल्ड स्टार्ट, हर बार बोल रहा हूँ ना, वर्स्ट केस, दिस वॉज द वर्स्ट केस माइलेज। अब इसके बाद हम लोग फिर से एक करेंगे जिसमें वर्स्ट केस में हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो भाई प्योर हाईवे होगा, उसमें गाड़ी सिर्फ घर से टूर करेगी और टूर करके वापस घर आएगी, ज़ीरो शहर इफ़ पॉसिबल। देखते हैं उसमें कितना माइलेज आता है जब गाड़ी प्रॉपर 70-80 पे क्रूज़ करेगी हाईवे पे। ओह आज वापस यहाँ पे थार खड़ी है। थार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, आई लव थार मैन। सो या दिस वॉज द वीडियो। आई होप जो लोग सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं 5-year-old बाइक सेकेंड हैंड में लेने का, 5 year क्या, किसी की 7 year old भी हो गई है अभी तो, 7-8 year old, अगर वो अगर कंसिडर कर रहे हैं एक सेकेंड हैंड बाइक लेने का जो कि एक CBR 150R है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 मतलब वर्स्ट केस में। लेकिन गिवन कि आपने अपना अपने मेंटेनेंस वगैरह अच्छा रखा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने परफेक्ट रखा है, लेकिन भाई अपन चेन लूप तो एटलीस्ट और एयर वगैरह सब टाइम टू टाइम अपन चेक करते रहते हैं, इंजन ऑयल भी 1,500 किलोमीटर चला है अभी तो, इट्स नॉट बैड। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने सेकेंड हैंड बाइक से भी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अगर कोई डाउट है तो अपन तो है ही यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए। भाई अपन सबको रिप्लाई करते हैं, एवरी सिंगल गाय, एटलीस्ट जब तक पॉसिबल है रिप्लाई करना तब तक तो करेंगे भाई। सो या दैट वाज इट, बाय बाय।